आज के वीडियो में मैं आपके साथ छह ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया डेडिकेटेडली फॉलो किया फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्किन इन योर हेयर एंड इवन इन योर हेल्थ बैक टू द छोकरा मेरा नाम है अभिजीत भंसाली स्टार्टिंग विद टिप नंबर वन एंड दैट इज गेटिंग इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोस के बारे में तो हर कोई बात करता है कार्ब्स फैट और प्रोटीन जो है वो तो आप जंक खा के भी पूरा कर सकते हो विदाउट इनफ विटामिन सी विदाउट इनफ आयन विदाउट इनफ कॉपर विदाउट इनफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड स्किन यू आर नॉट गोइंग टू हैव गुड हेयर टिप नंबर वन इज सैलेड सैलेड की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और लिंक नीचे भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में Follow that you don't need to have a youth salad, but you need to incorporate some form of raw nutrition into your diet. This totally depends on your digestion power. अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है देन बेशक आप जाइए एंड रॉ फूड खाइए लेकिन अगर आप वातर टाइप है और अगर आपके डाइजेशन वीक है देन आई वुड रिकमेंड यू स्टिकिंग टू वेजिटेबल आर टू डाइजेस्ट एंड विल नॉट इंक्रीज द दोष इन योर बॉडी इतना आप समझ लो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो आपकी स्किन कभी भी रेडिएट नहीं करेगी ग्लो नहीं करेगी प्योरली बिकॉज आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है एंड टॉक्सिन्स का बिल्डअप हो रहा है अंदर सैलेड इज गोइंग टू हेल्प प्रोवाइड रफिज ताकि बाउल मूवमेंट्स अच्छे से हो आपका

खुद से ग्राइंड करके खुद से जो है वो जूस निकाल के पी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें एक सिर्फ दिक्कत है अगर आप उसको मिक्सर में करने वाले हो देन इट्स नॉट गोइंग टू रिटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बिकॉज उसमें हीट जनरेट होती है थोड़ी और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वहाँ पर मर जाता है बट इफ़ यू और समन लाइक मी लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता फटाफट पी के निकलना होता है काम पर जाना होता है यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट यू स्टिल वॉन्ट टू गेट द रियल डील दिस इज द मोस्ट रियल थिंग दट आई हैव कम अक्रॉस मैंने बहुत सारे ढूंढे मार्केट के अंदर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कीटो फ्रेंडली है फास्ट आपका नहीं तोड़ेगा एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू गेट इन एवरी हंड्रेड एम एल फिफ्टी एम एल ऑफ़ एलोवेरा एंड फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री एम एल ऑफ़ आंला इट्स ऑलमोस्ट नाइंटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट रियल स्टफ यू कैन एक्चुअली सी द पल्प एज वेल मैं आपको क्लोज अप शॉट्स दिखाऊंगा दिस इज एज रियल एज इट गेट्स वेन इट कम्स टू बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट ओके टेस्ट भी उसका एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसे अगर आप आमला और एलोवेरा का जूस घर पर बनाओगे वैसा ही टेस्ट है इसका सो दिस इज समथिंग दैट आई हैविंग सिंस द पास्ट फ्यू वीक्स आई हैव सीन अन ब्रिलियंट इम्प्रूवमेंट इन माई बाउल मूवमेंट्स ये बेसिकली बोलते हैं कि आपको दिन में एक या दो बार कंज्यूम करना है वन आवर बिफोर द मील वन आवर बिफोर द मील कंज्यूम इसको मैं करता हूँ भूख बहुत खुल के लगती है डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाती है गैस ब्लोटिंग कुछ नहीं होता एंड जो भी मैंने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है वाई बिकॉज आमले की प्रॉपर्टीज है ये आंवला आपकी भूख खोल देता है आंवला पित्त को कम कर देता है बट अग्नि को मेंटेन रखता है एट द सेम टाइम हाई इन विटामिन सी एलोवेरा इज ऑल्सो गोइंग टू नरिश योर इंटेस्टरल वॉल्स एंड यू विल डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल हेल्थ एंड उसके वजह से यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन दी हेयर एंड इन योर स्किन एज वेल तीसरा जो टिप है वो है मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बिकॉज इसके बिना बाकी कोई भी चीज ढंग से काम नहीं करने वाली है और इसको काम करने के लिए आपका डाइट और लाइफ स्टाइल ठीक होना चाहिए अगर आपका डाइट और लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो आपके हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं, नहीं है तो आपका स्किन और हेयर ठीक नहीं होगा हार्मोन्स में मेजरली वॉट आर वी सपोज टू लुक आउट फॉर फॉर वेमेन वी नीड टू लुक आउट फॉर एस्ट्रोजेन फॉर मेन वी नीड टू लुक आउट फॉर टेस्टोस्टेरॉन एंड डी एच टी वी ऑल्सो नीड टू लुक आउट फॉर थारॉयड हॉर्मोन दिस इज कॉमन फॉर बोध द जेंडर इंसुलिन इज द टॉप वैन इट कम्स टू दिस बिकॉज इंसुलिन पहले खराब होता है इंसुलिन खराब होने के बाद बाकी सब लाइन में खराब हो जाते हैं राइट सो इंसुलिन ऑल्सो यू हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन नो शुगर नो एक्सैस कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग हेल्दी फैट्स इंटरमीडियंट फास्टिंग Doing all of these things is only going to help you out. If you have adrenal fatigue, hai, then meditation, morning walks, sunlight exposure, healthy, clean food—all of these things are really, really going to help you out. Tip number four is something to do with your sleep. You have to be as close to the circadian rhythm as possible for all of these things to happen. Your melatonin needs to be at its peak instantly. You will not but when you keep doing it week after week, month after month. यू विल सी दैट आपकी बॉडी जो है यूनिसिन विद नेचर एंड नेचर साइकिल जब वो इन यूनिसिन होगी ऑटोमेटिकली आपके हेयर स्किन सब कुछ जो है विल बी एट इट्स ऑप्टिम लेवल यू ऑल्सो है कि यू डू नॉट है टी कॉफ़ी कोई भी अगर आपको टी या कुछ भी पीना है आफ्टर सनसेट आफ्टर से फाइव थर्टी सिक्स ओ क्लॉक इट शुड बी ओनली हर्बल टीज लाइक कैमोमाइल टी और लेमन बाम टी और वलेरियन रूट टी और ब्लू पी फ्लावर टी और हिबिस्किस टी और जैसमिन टी Any herbal tea is going to be the best because they don't have caffeine. They are not going to disturb your sleep. Ulta, they are going to make you fall asleep much more calmer and much more easier and into a deeper state of sleep. So, if that is something that you make sure you do not have too much caffeine throughout the day as well, because that will increase your pitta, that will increase the overall heat in the body, that will also mess up your skin and your hair next comes tip number 5 and that is hydration and when i talk about hydration i'm not only really talking about itne liter pani piyo itna ye karo. i'm talking about electrolytes okay i'm talking about your sodium potassium calcium chloride and even magnesium you i want you to put count that as well in your electrolytes nariyal pani piyo din me right that will take care of a lot of your electrolyte issues make sure you're using pink himalayan salt and not normal table salt right

बहुत कम भी पानी नहीं पीना बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना एंड टिप नंबर सिक्स इज गोइंग टू बी समथिंग जो मैं हर बार बोलता हूँ बहुत बार बोल चुका हूँ इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल स्टेइंग अवे फ्रॉम प्रोसेस फूड जंक फूड फ्राइड फूड एक्सेसिव शुगर स्वीट्स हाइड्रोजनेटेड सीड ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स ऑल दीज क्स राइस ऑयल्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर हाईली इंफ्लेमेटरी दे आर नॉट में कुकड और फ्राइड विथ वो अगर आप यूज़ करते हो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी उसके वजह से आपकी स्किन और हेयर के अंदर ज़रूर आपको जो है वो डेट्रीमेंट देखने मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर कुकिंग यू कुक विद गुड हेल्दी फैट्स लाइक सफ़ेद मक्खन हो गया घी हो गया बटर हो गया फ्राइड फूड तो चाहे कोई भी आप ऑयल या फैट यूज कर लो आई विल नॉट रिकमेंड एनी फ्राइड फूड बिकॉज इट लीड्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए जी ई विच इज एडवास लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स that is going to age you even more quicker that is going to decrease the elasticity of your skin that is going to hamper the hair follicle proliferation rate bahut sari cheezon mein uska ek impact hota hai so i would always recommend ki acha khana khao slow cooked khana khao agar possible hai to you use your iron के वेसल्स यूज करो या फिर क्ले के वेसल्स यूज करो या स्टेनलेस स्टील के वेसल्स यूज करो एल्यूमिनियम टेफलॉन वाले जितना हो सके अवॉइड करो कम करो उनका कंजम्पन एंड एट द सेम टाइम सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन एंड ब्रेथवर्क इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट इफ़ योर ब्रीदिंग इज नॉट प्रॉपर योर ब्लड विल नॉट बी प्योरिफाइड बियॉन्ड अ सर्टन एक्सटेंट इल शो इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग और नॉट हैविंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी यू विल नॉट हैव इम्प्रूव ब्लड सर्कुलशन एंड ऑल्सो यू विल नॉट हैव इनफ टॉक्सिन रिलीज स्वेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन रिलीज बाउल मूवमेंट्स आर अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिन रिलीज एक्सरसाइज नहीं होगा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा तो स्वेटिंग भी नहीं होगी उतनी और बाउल मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम आएगी दोनों में आपका लॉस है एट द सेम टाइम मेडिटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू काम डाउन योर एड्रीनल्स काम डाउन योर नर्वस सिस्टम ट्रिगरिंग योर पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम मेकिंग यूर काम मेकिंग यू ब्रीथ प्रॉपरली मेकिंग यू ब्रीथ डीपली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट सुनने में ये बहुत बड़ा वीडियो है सुनने में ये बहुत बड़ा कुछ करना है आपको स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स स्टार्ट विथ द थिंग्स दैट यू हैव पिक्ड अप और हैव हिट यू रियली रियली हार्ड एंड यू फील लाइक इससे तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे वो शुगर कम करना हो चाहे वो एलोवेरा जूस या आंवला जूस पीना हो या कुछ भी हो चाहे वो स्लीप इम्प्रूव करने के लिए आई मास्क यूज़ करना हो या पूरा ब्लैकआउट करके सोना हो ताकि आपकी डीप स्लीप हो वट एवर इट इज़ Start with small steps, and you are definitely you are bound to see an improvement in your health your skin and your hair i hope आपको ye वीडियो पसंद आया होगा ye वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ये एक बेसिक मिनी कंसल्टेशन हो गया है मेरी तरफ से यूजली दीज आर द पॉइंट्स विच आई गेट इन टू डीपली इन माई पर्सनल कंसल्टेशन बट आज आप लोगों के लिए आई वॉन्टेड टू गिव दी सिक्स बेसिक फंडामेंटल ग्राउंड रूल्स टू यू इसको आप फॉलो करो यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस चलो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन बाय आन डू चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो बहुत सारे वीडियोस रिसर्च पेपर्स प्रोडक्ट्स बहुत सारी चीजें मैंने नीचे लिंक की हुई है सी यू